हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस और उनके जो फादर यानी कि जो उस रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं उनके बारे में, और ये हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे यानी कि इंडिया में उस रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जुड़ा हुआ है जो फूड से फूड प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसके जो फादर हैं वो है एमएस स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है मिल्क के साथ। मिल्क आप जानते हैं ये व्हाइट कलर का होता है, उसे रिलेट करके हम व्हाइट रिवॉल्यूशन याद कर सकते हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो है वर्गीज कुरियन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के साथ जुड़ा हुआ है और उसके फादर है वर्गीज कुरियन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है फिश के साथ, तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो फिश होती है वो पॉन्ड में रहती है या फिर रिवर में या फिर सी में, और ये कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, किस कलर के, तो ये ब्लू कलर के दिखते हैं, तो इस तरह से ब्लू रिलेट कर सकते हैं। और इसके फादर है यानी ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर है डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन फादर है ब्लू रिवॉल्यूशन के। इसके बाद है नेक्स्ट पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन जुड़ा हुआ है मीट प्रोडक्शन के साथ। तो मीट आप देखते हैं कैसा होता है, जनरली कलर में वो मीट पिंक कलर का होता है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और पिंक को याद कर सकते हैं कि ये जुड़ा हुआ है मीट प्रोडक्शन के साथ। और इसके जो फादर कहे जाते हैं वो है दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल पिंक रिवॉल्यूशन के फादर है। इसके बाद है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर है निरपक तुतेज। निरपक तुतेज गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। और इसके बाद लास्ट है हमारा रेड रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन के फादर हैं विशाल तिवारी। विशाल तिवारी रेड रिवॉल्यूशन के फादर हैं। तो यहां पर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्यूशन हैं इंडिया में फूड या फिर इन चीजों के साथ, डिफरेंट चीजों के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और उनके फादर को हमने देखा कि उस रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।